हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, भारत में हूँ आपके साथ उज्ज्वला और आप देख रहे हैं हिंद भारत। आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखने के बाद शादी से इनकार करने को धोखा नहीं कहा जा सकता, और ये कहना है मुंबई उच्च न्यायालय का। दरअसल ये फैसला उन्होंने अभी फिलहाल ही में सुनाया है, और संबंध में एक निचली अदालत के एक फैसले के तहत एक युवक को गुनहगार माना गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को अब बदल दिया और प्रेमी को निर्दोष माना है। इस मामले में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, और प्रेमिका ने यह आरोप लगाया था कि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। काफी दिनों तक शारीरिक संबंध कायम रखने के बाद अब प्रेमी शादी करने से मुकर रहा है और बार बार इनकार कर रहा है। ये मामला जुड़ा है काशीनाथ घरात से। दरअसल इस मामले में जुड़े प्रेमी का नाम काशीनाथ घरात है। काशीनाथ ने 3 साल तक प्रेमिका को शादी का आश्वासन दिया और शारीरिक संबंध कायम रखे। बाद में वो शादी की बात से मुकर गया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सुनवाई के दौरान काशीनाथ को दोषी ठहराया गया और 1 साल की कैद सुनाई गई थी। काशीनाथ ने इस फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, और इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की एकल खंडपीठ के सामने हुई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बलात्कार का केस दर्ज किया था। इससे पहले पुलिस ने प्रेमी के साथ सख्ती से सलूक किया। प्रेमिका की शिकायत के बाद पालघर में रहने वाले प्रेमी के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 376 और 417 के तहत केस दर्ज किया था। इन धाराओं के तहत उस पर बलात्कार और धोखा देने का मामला दर्ज किया गया। 19 फरवरी 1999 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने न्यायमूर्ति से प्रेमी को बलात्कार के आरोप में मुक्त कर दिया था, लेकिन उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम कायम रहा। मुंबई उच्च न्यायालय ने काशीनाथ को धोखा देने के इल्जाम से भी मुक्त कर दिया है। सभी सबूतों, गवाहों और बयान और लंबी बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काशीनाथ और संबंधित महिला के बीच पिछले 3 सालों से शारीरिक संबंध कायम है। लेकिन न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिला के तर्कों से यह साफ नहीं होता कि शारीरिक संबंध के लिए उसे किसी तरह का झांसा दिया गया हो, यानी ये परस्पर सहमति से ही शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यानी मुंबई उच्च न्यायालय भी अब मानती है कि कंसेंशुअल अगर आप रिलेशन स्थापित करते हैं तो वो अब धोखा नहीं करार दिया जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर से शादी का वादा करते और बाद में मुकर जाते हैं तो आपका पार्टनर उसमें धोखा खड़ी का इल्जाम नहीं लगा सकता। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है और आप कोर्ट के इस फैसले से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।